नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बिहार में जमीन सर्वे चल रहा है। सरकार जो है वो कितनी जमीन है, कितना सरकार में है, लोगों के पास कितने हैं, ये सब कुछ जांच रही है। और आपको बता दें कि बिहार में जमीन जायदाद जो है वो काफी झंझट वाला चीज होता है, काफी इमोशनल चीज भी होता है। यहाँ के लोगों का जमीन के साथ जितना लगाव है, और ऐसे में ये सर्वे जो है उन्हें बहुत सारे परेशानियों में डाल रहा है। जमीन बड़ा ही विवादित चीज भी है, आपस में दूसरे के साथ बहुत सारे उसके साथ विवाद जुड़े रहते हैं, लगाव भी जुड़े रहते हैं। और यही वजह है कि जमीन सर्वे जो अभी कराया जा रहा है उसमें लोगों के काफी पसीने छूट रहे हैं, काफी एक अफवाह भी फैलाया जा रहा है, मिसयूज भी किया जा रहा है इस सर्वे का। अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा वसूली भी की जा रही है, डराया भी जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है। ले देकर ये स्थिति है कि बिहारवासी जो हैं इस जमीन सर्वे से काफी नाराज हैं, गुस्से में हैं। और ये बातें जो हैं अब सरकार को भी पता चल गई हैं। आपको बता दें, खबरें निकल के आ रही हैं कि बिहार में जमीन सर्वे का काम रोका जा सकता है, इसको स्टैंड बाई में डाला जा सकता है, और लंबे समय बाद फिर सरकार जब वैसा माहौल देखेगी तो इसे कराया जा सकता है। ये खबरें निकल के आनी शुरू हो गई हैं। वजह क्या है? वजह तो एक, लोगों में गुस्सा है, लोगों के पसीने छूट रहे हैं लाइन में लगे लगे डॉक्यूमेंट जुटाने में। वंशावली को लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा भी दुष्प्रचार किया जा रहा है, दलालों के द्वारा भी गड़बड़ बातें कही जा रही हैं। आपको बता दें कि ये सब चीज तो हो ही रहा है, और साथ साथ बिहार में क्राइम भी बढ़ गया है। अब आप देख लें कि कई जिलों में जमीन को लेकर ही आपस में गोलीबारी हुई, हत्या हो गया, घायल लोग हुए, और हत्या के मामले जो हैं इस जमीन सर्वे के बाद बिहार में बढ़ गए हैं। और यही वजह है कि सरकार जो है जमीन सर्वे के कार्य को टालना चाहती है। एक और खबर है, राजनीतिक खबर है, जो अलग अलग चैनलों के द्वारा, सोर्सों के द्वारा निकल के आ रही है कि बिहार में समय से पहले चुनाव कराने की भी तैयारी चल रही है। नीतीश कुमार जिस तरह भी एक्शन मोड में है, चाहे डेवलपमेंट प्रोग्राम को देख लें, संगठन में अपने पार्टी के संगठन में परिवर्तन को देख लें, तबादलों को देख लें, उनके दौरों को देख लें, उसमें ये बात चल रहा है कि समय से पहले बिहार में चुनाव कराने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसे में ये जमीन सर्वे जो है वो सरकार के लिए बैकफायर हो सकता है। यानी कि जमीन ऐसा चीज है जो कि बिहार में जात से भी ऊपर आता है। अभी तक हम लोग देखते हैं कि जाति पाति के नाम पर यहाँ पर वोटिंग होती है, लेकिन जात से भी बड़ा अभी बिहार में अभी या कभी भी जमीन जो है वो मुद्दा रहा है। लोग अपनी जमीन को यूं ही नहीं छोड़ना चाहते, जमीन के लिए तो कत्ल हो जाता है, यहाँ पर भाई भाई का कत्ल हो जाता है, बाप बेटे के संबंध खराब हो जाते हैं, चाचा भतीजे में देखा देखी नहीं होता है। और ऐसे में जमीन सर्वे का ये जो जितना उसमें म्यूटेशन कराना है, जमाबंदी है, फिर से है दाखिल खारिज है, वंशावली तैयार करवाना है, और बहुत सारे दस्तावेज लोगों को मिलते भी नहीं है। पटेदारी में हुआ कि कोई रख लिया वो दे नहीं रहा है, कितनी बार हुआ है कि लोग जमीन खरीद लिए लेकिन आज तक उसका रजिस्ट्री तक नहीं करवाएं, दाखिल खारिज तक नहीं करवाएं, और ये 30-30, 40-40 साल पुराने मामले हैं। ऐसे में घपलेबाजी भी हो रही है, ऐसे में डॉक्यूमेंट्स भी नहीं मिल रहा, लोग प्रखंड में और रजिस्ट्री ऑफिस में घंटों लाइन में लग रहे हैं इसके लिए, अवैध वसूली का भी खेल चल रहा है। तो ले देकर जो है वो लोगों का यही कहना है कि आखिर जमीन सर्वे कराने का फायदा क्या है। इसका दुष्प्रचार भी किया जा रहा है कि जमीन सर्वे कराकर जो आपका जमीन जो है, अगर आप उसके कागज नहीं दिखा पाएंगे तो सरकार जब्त कर लेगी और किसी और को दे दिया जाएगा। ये सारा डर जो है तरह तरह के गांव में जो है इसको लेकर बातें चल रही हैं, और लोगों में डर का माहौल बना हुआ है, और कागजात जुटाने में, अपना जमीन के सभी कागजात को दुरुस्त करने में लोगों का हालत खराब हो गया है। और यही कारण है कि इन सब फीडबैक को देखते हुए सरकार अब यू टर्न ले सकती है, सरकार अभी जमीन सर्वे का काम जो है वो रोक सकती है,
बाद में इसे पूरा कराया जाएगा, इलेक्शन के बाद कराया जा सकता है, क्योंकि चुनाव जो है इस पर जमीन सर्वे का बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अगर जो नाराज रहेंगे वो परिणाम बदल सकते हैं, और नाराजगी जो है बहुत बड़ी है, हर एक आदमी को प्रभावित किया है जमीन सर्वे। तो देखिए क्या होता है। लेकिन खबरें निकल के आनी शुरू हो गई हैं कि झंझट, आपसी विवाद, क्राइम बढ़ने के कारण जो है बिहार में जमीन सर्वे के काम रोके जा सकते हैं। लगभग मान लीजिए कि सरकार ने मन बना लिया है, कभी भी अधिसूचना जारी हो सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।